So hello dear students, now we are discussing your section formula. So this is the first question from this topic. और अब इसमें हमें करना क्या है, उससे पहले हम इस सेक्शन फार्मूले को समझते हैं. सेक्शन फार्मूला इज़ वेरी वेरी इजी. तो एज दी नेम सजेस्ट, यहाँ पे सेक्शन का मतलब डिवीज़न होता है. तो अगर आपकी कोई लाइन दो कोऑर्डिनेट से मिलके बन रही है, जैसे पॉइंट ए और पॉइंट बी, अगर वो इस कोऑर्डिनेट से मिलके बन रही है और उसको कोई पॉइंट पी बीच में डिवाइड कर देता है, तो वो किसी रेशो में उसको डिवाइड करेगा, ये तो 100% श्योर है. सो अगर आपको क्वेश्चन में रेशोज़ जो होते हैं, अगर वो रेशोज़ आपको पता होते हैं यानी नोन होते हैं रेशोज, तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, इस एक्स और वाई यानी पॉइंट पी जिसने इसको डिवाइड किया है उसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है इज़ वेरी इजी. एम वन का इनटू होगा एक्स टू से और एम टू का इनटू होगा एक्स वन से और डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू. सेम वे अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो एम वन वाई टू, एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू. तो ये हम ऑलरेडी क्लास में देख चुके थे इस चीज को. अब इस क्वेश्चन को अगर आप ढंग से देखोगे, है ना, अगर इस क्वेश्चन को आप ढंग से देखोगे तो यहाँ पे आपके जो पॉइंट्स हैं ए और बी वो 6, 3, -4 और 5 हैं और रेशियो 3:2 का है, इंटरनली कट हुआ है. तो अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी होगी तो इट्स वेरी वेरी सिंपल, 3 × -4 इज योर माइनस का 12 और 2 × 6 इज योर प्लस का 12 और डिवाइडेड बाय 3 + 2 यानी 5. तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 0. तो क्लियरली यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो आ गई है 0, तो यानी एक्स मेरा 0 आ गया. अब मैं चलता हूँ अगली चीज पे, यानी वाई की वैल्यू निकालने पे. अब अगर मैं यहाँ y की वैल्यू निकालूँ तो दिस इज़ 3 × -4, sorry 3 × 5, है ना, y से किया तो ये आपका 15 आ गया और 2 × 3 आपको पता है वो बेटा 6 होता है और डिवाइडेड बाय 5 हुआ, तो ये हो गया आपका 21/5. ठीक है, सो विद दिस वे योर दिस क्वेश्चन इज डन. होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली किया क्या है. थैंक यू.